शांति 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 डिप्रेशन, जिसको हिंदी में अवसाद कहते हैं, ये ऐसी बीमारी है कि लगभग लगभग सभी को पकड़ के रखती है। और अंग्रेजी में इसको डिप्रेशन, हिंदी में अवसाद। ये बीमारी मनुष्य में स्वाभाविक नहीं होता है, इसको निमंत्रण करके बुलाया जाता है और अपने अंदर स्थान दिया जाता है। डिप्रेशन के लिए सबसे बढ़िया उपचार है नाद ध्यान। नाद ध्यान का मतलब उच्चारण, आवाज़ कर करके उस पे ध्यान देना। जैसे आप अपना हाथ ऐसे कर लीजिए, ओ जहाँ पे आपकी आवाज़ गूंजने लगे और आपको सुनाई लाउड स्पीकर की तरह देने लगे, वहाँ रोक दीजिए। अभी इस समय मैंने अपना हाथ रखा है, अपना आवाज़ मैं बहुत लाउडली सुन रहा हूँ। इस प्रकार हथेली रख करके और ओ उच्चारण करें, 10-20 जितना आपसे हो सके। उसके बाद हाथ जोड़ करके शांति 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 हे। तीन बार शांति शांति आया, जैसे मैंने किया है वैसे ही करें आप। इसके साथ नंबर 2, डिप्रेशन से बाहर जाने के लिए नाम का जाप। मैंने आपको बताया, अपने हाथ को यहाँ ले जाइए, जहाँ पे आपको आपका साउंड ज़्यादा सुनाई दे वहाँ स्थापित कर लीजिए। राम 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 राम। इस प्रकार से लयबद्ध होकर के नाम का जाप, कोई भी नाम आपको जो अच्छा लगता हो, भगवान का नाम, अगर आप भगवान को नहीं मानते तो अपने लड़के का ही पति का नाम ले लीजिए, उससे भी ना चले तो पड़ोसी का, किसी का भी नाम लेना है। नाम अर्थात
एक नाद उत्पन्न करना है आपको। राम कहिए, कृष्ण कहिए, अल्लाह कहिए, कोई भी नाम लीजिए और उसका उच्चारण करिए। इससे आपके जो आवरा का स्वरूप है वो बहुत ही दृढ़ बन जाएगा। जब हमारे शरीर का ऊर्जा अर्थात आवरा विच्छेद हो जाता है तो हमें अवसाद डिप्रेशन नाम की बीमारी ग्रसित कर लेता है, या कोई दुर्घटना घटना बन जाए, कोई ऐसी उत्पात हो जाए जो आपको एकदम से दुख में ला देता है, फिर हम निकल नहीं पाते हैं उसमें से, वही दुख डिप्रेशन का रूप धारण कर लेता है। नंबर 3, इससे बाहर निकलने के लिए रात को सोने से पहले घुटने के नीचे, घुटना से लेकर के नीचे तक ठंडे पानी से 3 बार धोएं। एक बार घुटने से नीचे पांव धो लीजिए, कोहनी से नीचे हाथ धो लीजिए और अपने चेहरे को, मुखारविंद को धो लीजिए। फिर एक बार पांव धोइए, फिर हाथ धोइए, फिर मुखारविंद। ऐसे करके 3 बार इनको धोएं और जाके सो जाएं। इससे भी आपको नींद अच्छी आएगी, और जिसको नींद अच्छी आती है डिप्रेशन से बाहर निकल जाता है। नंबर 4, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए एक प्राणायाम है जिसको हम लोग गुल्फ हनुमान बोलते हैं। उसमें नाक से सांस भरना है और मुंह को फुला लेना है और 25 तक गिनती करके रोकना है आपको। फिर धीरे 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 सांस को मुंह से ही छोड़ देना है, ठीक वैसे ही जैसे आप बलून फुलाते हैं। ये प्राणायाम 5 तरह का होता है, मैं एक प्राणायाम आपको करके और दिखाता हूँ। इस प्रकार से आप 12-15 बार करेंगे, चित एकदम शांत हो जाएगा, डिप्रेशन कहाँ जाएगा, किधर जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा और आपको बहुत अच्छी अनुभूति प्राप्त होगी, शांति मिलेगी। नंबर 5, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए हाथ को मिला लें, ऐसे मिला करके ऐसे खोल लें और दोनों हथेली के उंगलियों को इस प्रकार से बंद करें, इसको ऐसे बंद करें। ये एक तरह का ऊर्जा जो आपके हाथ से उत्पन्न होता है और मस्तिष्क में जाता है, ये कम से कम 25 से लेकर के 100 तक करने के बाद आपको एकदम शांत चित हो जाता है। हाँ, इसके करने के साथ सांस पे भी ध्यान दिया जाता है। सांस को धीरे धीरे गहरा लेना है और धीरे धीरे करके छोड़ना है। इस प्रकार से आप अभ्यास करें
तो डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। गुरु कृपा आशीर्वाद है, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।